सीतापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, सीधे आपको लिए चल रहे हैं। तुलसीदास जी ने भी इन पवित्र शब्दों से करते हुए इसकी महिमा का गान किया है। सूत जी ने इसी स्थल पर हजारों वर्ष पहले 18 पुराणों को सोनक आदि ऋषियों को सुनाया था। भगवान वेदव्यास की नेतृत्व में, उनके सानिध्य में हजारों ऋषियों ने यहां साधना की थी। यहां की व्यासपीठ इसके लिए विख्यात है। 88,000 ऋषियों ने इसी स्थल पर, इसी क्षेत्र में साधना करके भारत की ज्ञान विज्ञान की पूरी धरोहर को वैदिक ज्ञान के रूप में लिपिबद्ध करके हम सबको उपलब्ध करवाया था, एक विरासत के रूप में हम सबको दिया था। देवासुर संग्राम में महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थिदान यहीं पर किया था, इसी स्थल पर किया था। और सती के अलग अलग अंग जिस स्थल पर गिरे थे, जीवा का भाग ललिता देवी के रूप में इसी स्थल पर गिरा था। शक्तिपीठ मां ललिता देवी का पावन धाम भी यहीं पे है, चक्र तीर्थ यहीं पे है। यानी अपरंपरा पार महिमा है इस स्थल की। आज इस कड़ी को जोड़ते हुए एक बहुत दिव्य संत पूज्य स्वामी षणमुखानंद पुरी जी महाराज ने यहां पे राज राजेश्वरी मंदिर और आश्रम की स्थापना करके इस कड़ी को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने का कार्य किया है। मैं इसके लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धार्मिक आयोजन हम सबको सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। हमारा शास्त्र तो यह कहता है कि धर्मेण हीना पशु भी समाना, यानी धर्म से हीन जो व्यक्ति है उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। धर्म केवल उपासना विधि नहीं है, धर्म जो हमको अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। धर्म वह एक शाश्वत व्यवस्था है, जिस शाश्वत व्यवस्था के माध्यम से हम लोग अनुशासन का पाठ पढ़ते हैं, सदाचार का पाठ पढ़ते हैं, कर्तव्य का पाठ पढ़ते हैं। इनसे जुड़े हुए जो नैतिक मूल्य हैं, कर्तव्य से सदाचार से जुड़े हुए जो मूल्य हैं, इनका जो समन्वय है वही वास्तव में धर्म है जो हमेशा शाश्वत रहता है। पंथ और संप्रदाय आएंगे जाएंगे, उपासना विधियां आएंगी जाएंगे, लेकिन धर्म हमेशा शाश्वत रहता है, सनातन रहता है। इसलिए हम कहते हैं सनातन धर्म इस सृष्टि का धर्म है, मानवता का धर्म है। जब तक सनातन धर्म है, विश्व मानवता की कल्याण का मार्ग वह प्रशस्त करता रहेगा। अगर सनातन धर्म पर खतरा आएगा तो विश्व मानवता पर खतरा आएगा। इसलिए विश्व मानवता को बचाना है तो सनातन धर्म को बचाना होगा। और सनातन धर्म का मूल यज्ञ है, ये ऋषि मुनियों की साधना है, जो साधना कई वर्षों तक पवित्र नर नर्मदा